आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर परमेश्वर के वंदनीय विविध अखाड़ों से जुड़े हुए सभी पूज्य संतगण, सबके चरणों में वंदन और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सनातन जो वैदिक परंपरा है, उस परंपरा के एक आदर्श पुरुष थे। हमारी जो सनातन विधाएं हैं, उन विधाओं को पूरी दुनिया में पहुंचाने का जो अभियान, जो कार्य स्वामी विवेकानंद से प्रारंभ हुआ, उस कार्य को श्रद्धेय स्वामी राम जी ने एक नया आयाम दिया और उस परंपरा में परम श्रद्धेय वंदनीय महामंडलेश्वर वेद भारती जी महाराज ने बहुत आगे पहुंचाया। वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विविध भाषाविद, अत्यंत विद्वान पुरुष, महापुरुष थे। आज भारतीय सनातन परंपरा की बात आती है तो हमको कभी कभी लगता है कि हमारी सीमाएं वह बहुत छोटी हैं, पर वो सीमाओं को देश से बाहर पूरी दुनिया में पहुंचाने का कार्य जिन महापुरुषों ने किया, उनमें से हम सदैव श्रद्धेय स्वामी जी के ऋणी रहेंगे। पूरा सनातन हिंदू समाज, पूरा भारतवर्ष भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, उनके कार्य के लिए, उनकी तप और साधना के लिए, क्योंकि जितने वह विद्वान थे, जितने वह सरस्वती के उपासक थे, उससे कहीं आगे वह तपस्वी थे, बहुत एक साधक थे। अपने गुरुदेव के नाम पर यह साधक ग्राम में उन्होंने रह करके वर्षों साधना की। पतंजलि योगपीठ परिवार से भी उनका बहुत लगाव था। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पर भी कई बार आकर के उनसे मिलते थे, उनका मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त किया। जब भी हम उनको आमंत्रित करते थे, सहर्ष वह स्वीकृति देते थे। तो इस तरह से एक साधक ग्राम से और पतंजलि से एक आत्मीय और आध्यात्मिक रिश्ता बना रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं है। यह हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में हम जानते हैं, देह नाशवान है परंतु आत्मा अजर अमर है। तो वह पुण्य आत्मा परमात्मा के चरण में, परमात्मा की व्यवस्था से एक उच्च स्थान पर वह निश्चित रूप से उस स्थान को प्राप्त करेंगे। पर क्योंकि पीछे से हम सबको हृदय में कहीं ना कहीं पीड़ा है, तो सनातन संस्कृति हमको यही सिखाती है, यह देह तो वस्त्रवत है, वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको बदला जाता है। तो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से बहुत उच्च स्थान पर वह विराजमान है। तो आज इस श्रद्धांजलि के इस अवसर पर पूरे पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों हमारे भाई बहन कार्यकर्ता और पूरे पतंजलि योगपीठ के परिवार की ओर से भी मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सभी हमको इस बात के लिए भी कम से कम हमको प्रसन्नता है कि श्रद्धेय स्वामी राम जी के अभियान को चलाने के लिए जहाँ जो श्री राम स्वामी राम हिमालय जो विश्वविद्यालय है, हमारे परम प्रिय आत्मीय भाई दसमाना जी, उनकी पूरी टीम जहाँ लगी हुई है, वहीं इस साधक साधना और आध्यात्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी ऋतवान जी, आज उनके दर्शन मैंने पहली बार किए, आप इधर लगे हैं। तो यह अभियान, यह मिशन जो दो तपस्वियों के द्वारा, दो पूज्य संतों के द्वारा रोपा गया, यह पौधा आज एक वृक्ष का रूप ले रहा है, यह और आगे बढ़ेगा। हम सब साथ हैं और आप सब भी, क्योंकि जितने भी विशेष कर करके जो संत हैं उनको तो जन्म मृत्यु का बहुत पता होता है, जो गृहस्थ में है उनको कभी कभी ज्यादा पीड़ा होती है, पर देह के धर्म को, आत्मा की अमरता को हम समझें, समझ करके इस बिछुड़न को, गुरुदेव आपके बीच में नहीं है,
तो उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अपने पूरे जीवन में महसूस करते हुए हम जीवन में जो उनका स्वप्न था, जो उनका संकल्प था, उसको पूर्ण करने का आज हम संकल्प लेकर के आगे बढ़े, तो उनकी प्रतीति, उनकी उपस्थिति और उनका आशीर्वाद हम हर क्षण महसूस कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः पूज्य चरणों में, उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि भावभीनी अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम शांति शांति शांति।